जब इंडिया में कहते हैं कि IIT और NIT वाले लोग इंडिया में क्यों नहीं काम कर रहे, जैसे हमारे जैसे लोगों की अगर यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो फिर हम लोगों को ये बात नहीं सुन रहे, तो हमारी बात सुननी चाहिए, नहीं तो हम जैसे लोग यहाँ पर क्यों रहेंगे इंडिया में। जब हमें रिक्रूट किया गया था तो एक MOU साइन हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसमें ये बोला गया था कि प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद इन फैकल्टीज़ को सस्टेन किया जाएगा। हम ऐसी किसी भी चीज़ की मांग नहीं कर रहे हैं जिस पे हमारा हक नहीं है। सरकार ने हमें ऐसा बोला है, PIP के थ्रू हमें ऐसा बताया गया है कि आपको रिटेन किया जाएगा, आपको एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो आप अगर अपने ही बात से मुकर रहे हैं तो बाकी किसी की बात पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं। मेरी एक सिक्योर जॉब थी, मैं JEE थी वहाँ पे, उसको छोड़ के मैं टीचिंग जॉब में आई हूँ, एक अपनी सिक्योरिटी को छोड़ करके, सिर्फ इसीलिए कि जो भी उन्होंने प्रॉमिसेस किए थे कि वो पूरा करेंगे। क्या आपकी मांग? हम सभी TechCube 3 सहायक प्राध्यापक जो कि विभिन्न राज्यों में चयनित करके भेजे गए हैं, हमारी मांग यही है कि 31 मार्च 2021 जिस दिन हमारी नौकरी जाने की सूचना हमें मिली है, तो हमारी शिक्षा मंत्री जी से यही मांग है कि हमें मिलने का समय दें एवं हमारे भविष्य को सुनिश्चित करें, जिसके कारण हम लोग आज ही शाम यहां से दिल्ली से निकलकर हम लोग अपने घरों तक जाएं और अपने अपने होली का त्यौहार अपने अपने घर पर मनाएं, अपने साथियों के साथ होली का त्यौहार मनाएं। क्या लगता है आपको कि आपकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि देखिए 31 तारीख तक का आपके पास समय है, बीच में होली भी है, टाइम बहुत कम है। नहीं, बिल्कुल हमारी बात सुनी जाएगी, क्योंकि हम इतने वेल एजुकेटेड सारे टीचर हैं। जब इंडिया में कहते हैं कि IIT और NIT वाले लोग इंडिया में क्यों नहीं काम कर रहे, जैसे हमारे जैसे लोगों की अगर यहाँ पर ज़रूरत नहीं है तो फिर हम लोगों को ये बात नहीं सुन रहे, तो हमारी बात सुननी चाहिए, नहीं तो हम जैसे लोग यहाँ पर क्यों रहेंगे इंडिया में। बिल्कुल, देखिए कहा जाता है कि IIT NIT के स्टूडेंट जो पास आउट होते हैं, वहाँ के शिक्षक जो होते हैं या फिर स्टूडेंट जो होते हैं, वो बाहर जाके जॉब करते हैं, क्योंकि भारत में उन्हें वो तवज्जो नहीं दी जाती जो उन्हें मिलनी चाहिए। इसीलिए आज ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करें। कहाँ से आई हैं आप, आपका नाम? मैम, मेरा नाम सुमन चौधरी है और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर में कार्यरत हूँ अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जब हमें रिक्रूट किया गया था तो एक MOU साइन हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो MOU स्टेट गवर्नमेंट और MHRD के सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में साइन हुआ था, उसमें ये बोला गया था कि प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद इन फैकल्टीज़ को सस्टेन किया जाएगा, इन्हें रिटेंशन दिया जाएगा। हम चाहते हैं वो किया हुआ वादा पूरा हो और हमारी माननीय एजुकेशन मिनिस्टर से एक बार मुलाकात हो ताकि हम अपनी मांगे, हमारी बात उनके सामने रख पाए। बिल्कुल, देखिए लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता, इलेक्शन का समय भी है, पश्चिम बंगाल में 5 राज्यों में इलेक्शन है, सरकार वहाँ पर बिजी है, अभी आपकी बात हो सकता है ना सुने? नहीं मैम, एक्चुअली मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमें सिर्फ 5 से 10-15 मिनट चाहिए और हम पिछले 8 तारीख से यहाँ बैठे हुए हैं। पिछली बार भी हमें ये आश्वासन दिया गया था कि आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन अब यहाँ पर हम इतनी बड़ी तादाद में 3-4 दिन से ये जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमारी बात सुननी चाहिए और इतना समय मंत्री जी अगर निकालेंगे तो हम बहुत कृतार्थ होंगे उनके साथ। आप कहाँ से आई हुई? मैं जोधपुर से आई हूँ, MBM इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को? सरकार से हम इतना ही कहना चाहते हैं, उन्होंने जिस पर्पज़ से हमें अपॉइंट किया था 3 साल पहले, वो पर्पज़ अभी पूरा प्रोसेस में है, क्योंकि ये एक प्रोग्रेसिव प्रोजेक्ट है। आप कभी भी किसी इम्प्रूवमेंट को ऐसा नहीं कह सकते कि ये अभी ख़त्म हो गया, तो हमारे स्टूडेंट्स की अभी मिड सेमेस्टर चल रहे हैं, उस दौरान जो है हमारी प्रोजेक्ट वो एंड कर रहे हैं और हमें किसी भी तरह की इंटीमेशन नहीं दी जा रही है कि इस प्रोजेक्ट का क्या होने वाला है। हमारे स्टूडेंट्स को हमसे बहुत सारी होप है, क्योंकि उन्होंने हमें देखा है हम कैसे उन्हें पढ़ा रहे हैं, वो हमसे ज़्यादा रिलेट करते हैं। तो अभी जो 4th ईयर के बच्चे हैं, जो अभी गेट क्वालिफाई कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हमारी इतनी अच्छी रैंक आई है। इनफैक्ट मुझे एक स्टूडेंट्स आके पूछते हैं कि हमें जाना चाहिए मास्टर्स करने, क्योंकि आप लोग अभी इतने साल से प्रोजेक्ट कर रहे हो और अभी आपकी जॉब खतरे में है। तो सरकार से बस यही सवाल है कि फिर हम बच्चों को क्या कहें, हमें क्या कहना चाहिए इस केस में, जब हम अभी यहाँ बैठे हैं जो हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें यहाँ आना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आप लोग IIT NIT से पास आउट हैं, इतनी हाई एजुकेशन आप लोगों ने की है, आप कभी सोचा था कि आपको अपनी जॉब के लिए ही दिल्ली की सड़कों पर बैठना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं ये सोचा था, क्योंकि ये टेक्निकल क्वालिटी एजुकेशन इज ए कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस जो कि 3 साल पहले शुरू हुई थी और हम लोग को इसी उम्मीद के साथ, इसी विजन के साथ भेजा गया था कि एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट, यू नो। सो क्या ये 3 साल में वो चीज़ पूरा हो गया?
सो इट क्या इसके ऊपर बहुत पैसा इन्वेस्ट किया गया है, हम लोग को बहुत ट्रेनिंग दिया गया है, और अब क्यों उस विज़न 3 साल में जो पूरा नहीं हुआ है, अब वो विज़न का क्या होगा और हम लोग का क्या होगा? सो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. सो एटलीस्ट एजुकेशन मिनिस्टर एंड द कंट्री हेड शुड थिंक अबाउट अस एंड द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स, जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम लोग को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी. बिल्कुल, जिस उम्मीद से आप लोग आए हुए हैं, 3 से 4 दिन हो गए हैं, आपको लगता है कि आपकी बात सुनी जाएगी 31 तारीख से पहले पहले? उम्मीद तो है, इसीलिए बैठे हैं. आपका नाम, आप कहाँ से आए हैं? मैं संगीता, राजस्थान से आई हूँ, MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर. जिस तरह से आप लोग 3 से 4 दिन से यहाँ पे मौजूद हैं, किस तरह से आप लोगों ने डिसाइड किया कि आप लोग दिल्ली में जाकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे? हम लोग कुछ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर से कि वो हमारी बातें सुने, एजुकेशन मिनिस्टर से हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारी बातें सुने और हमारे बारे में सोचें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सिर्फ हमारे से रिलेटेड नहीं है, ये कॉलेजेस, स्टूडेंट सबसे रिलेटेड है, और अगर इस प्रोजेक्ट का कुछ आगे नहीं होता है तो सिर्फ हमें अफेक्ट नहीं करेगा, ये कॉलेजेस को भी अफेक्ट करेगा, स्टूडेंट्स को अफेक्ट करेगा. लाइक हमारे जाने के बाद में हमारे कॉलेज में 70% जो सीट्स हैं टीचर की वो वैकेंट हो जाएंगी, तो ये उनको भी इफ़ेक्ट करेगा. और अभी तक हम लोगों ने इम्प्रूव किया वो ड्रास्टिक बहुत ही नीचे चला जाएगा वापस क्वालिटी, क्योंकि एक बार इम्प्रूव हो गया ठीक है, अभी चल रहा, ऐसा तो नहीं है कि हाँ बस अभी इम्प्रूवमेंट पूरा हो चुका है अभी इस चीज़ को एंड कर दो, क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो एकदम कंटिन्यूस प्रोसेस है, धीरे धीरे होता रहेगा. बिल्कुल, देखिए हमारे देश में अच्छी शिक्षा की बात की जाती है और शिक्षा व्यवस्था लगातार सुधारने की बात की जाती है, जब आप लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं, आप लोग उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, फिर आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों की मांग नहीं सुनी जा रही, आप लोगों को क्यों रिटेन कराने के लिए यहाँ पर आना पड़ रहा है? अभी जब एक बार सरकार ऐसा बोल चुकी है कि वो हमें, हम ऐसी किसी भी चीज़ की मांग नहीं कर रहे हैं जिस पे हमारा हक नहीं है, सरकार ने हमें ऐसा बोला है, PIP के थ्रू हमें ऐसा बताया गया है कि आपको रिटेन किया जाएगा, आपको एब्जॉर्ब किया जाएगा, तो आप अगर अपने ही बात से मुकर रहे हैं तो बाकी किसी की बात पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर सरकार ही मुकरेगी तो बाकी एक आम जनता या एक आम इंसान की बात पर तो कोई भी विश्वास नहीं कर पाएगा. हम सिर्फ यही जानते हैं कि कोई भी स्पेशली एजुकेशन एक लिमिट या एक सीमित समय के लिए नहीं होती है, तो प्लीज़ इस बात पर ध्यान दीजिए, और अगर हमें भारत को आगे बढ़ाना है तो उसका सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम को सही करना पड़ेगा. उसको सही करने के लिए देश में अच्छे शिक्षक का होना ज़रूरी है, और अगर आपके पास अच्छे शिक्षक हैं तो प्लीज़ आप उनको रखिए, आप उनको एब्जॉर्ब करिए. बिल्कुल सही बात आपने कही कि अगर एजुकेशन सिस्टम हमें अपने देश में अच्छा करना है, बढ़ाना है, तो अच्छे टीचर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसीलिए आप लोगों को अपॉइंट भी किया गया था. कितनी उम्मीद है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? अभी काफ़ी उम्मीद है, हम उम्मीद के साथ ही यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखते हैं. वैसे हमारे ख्याल से सरकार को अभी तक हमें कुछ दे देना चाहिए था ताकि हम लोग अपने घर जाते, होली को अच्छे से सेलिब्रेट करते, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट हम लोग को प्रोवाइड नहीं किया है, तो देखते हैं. उसी विश्वास के साथ बैठे हैं क्योंकि 31st हमें डेडलाइन दी गई है, क्योंकि उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा, तो देखते हैं सरकार कितना सुनती है, कितना अपने ही इंस्ट्रक्शंस को या अपने ही दिए गई बात को कितना फॉलो करती है. कहाँ से आए हैं आप, आपका नाम क्या है? मैम, मेरा नाम श्रुति यादव है और मैं जोधपुर से आई हूँ. क्या आप लोगों की मांगे हैं, कितनी उम्मीद है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? मैम, सरकार से मैं क्या ही कहूँ. मैम, इससे पहले मैं MP राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ही थी, मेरी एक सिक्योर जॉब थी, मैं JEE थी वहाँ पे, उसको छोड़ के मैं टीचिंग जॉब में आई हूँ, एक अपनी सिक्योरिटी को छोड़ करके, सिर्फ इसीलिए कि जो भी उन्होंने प्रोमिसज किए थे कि वो पूरा करेंगे, अब उसको नहीं पूरा करके वो तो यही होगा कि मेरी बेवकूफ़ी होगी कि मैं अपनी सिक्योर जॉब छोड़ के इस जॉब में आई हूँ. अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोल सकती. अगर आपके पास कोई और ऑप्शन हो अभी जॉब चेंज करने का, उसके लिए क्या करें? मैम, एक जॉब छोड़ के अगर मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं होता तो मैं अपनी जॉब, पहली जॉब क्यों छोड़ती? क्योंकि मुझे टीचिंग पसंद है, इसलिए मैं इस जॉब में आई थी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करके, जो उनके अब फ्यूचर को, अब जो हम अपने इंडिया के लिए जो कर सकते हैं वो टीचर्स ही कर सकते हैं, इसलिए मैं इस जॉब में आई थी. आप कहाँ से? मैं MBM जोधपुर से. क्या आपकी मांग है? मेरी यही मांग है कि जो
इन्होंने भरोसा दिया था कि अगर हम 3 वर्षों तक बहुत ही अच्छा काम करेंगे, जैसे कि हमने एनबी एक्रीडेशन भी दिलवाया हमारे डिपार्टमेंट को, लैब्स को प्रोक्योर किया है न्यू इक्विपमेंट से, 1 करोड़ से अभव प्रोक्योरमेंट हमने किया है लैब्स का, स्टूडेंट्स की कंटिन्यूस क्लासेस की है, उनकी मैंटरिंग किया है, गेट के लिए क्लासेस ऑर्गेनाइज कराई है, तो एटलीस्ट उन सब का एफर्ट्स जो हमने किए पूरा 3 साल बिना ये सोचे कि 3 साल बाद हमारा क्या होगा, इतना अथक प्रयास किया, तो उसका सब देखते हुए सरकार हमारे लिए कुछ प्रयास करे, कुछ कदम उठाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि 31 मार्च अब आने वाली है। इस सभी दुविधा में हम सब लोग यहाँ है, इसलिए यहाँ पर आए हुए हैं। यही है, सरकार से रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी निर्णय ले कि उन्हें आगे क्या करना है।